श्री राम तुझको नमो नमः, नमो नमः श्री राम तुझको नमो नमः, श्री राम तुझको नमो का श्रवण हो, कथा का श्रवण हो,
जहां तुझे परमात्मा के सकल रूप की सेवा हो, इस सारा संसार परमात्मा का सकल रूप है, इन सबकी इन हाथों से सेवा हो, पांव सदा सन्मार्ग पर रहें, गर्दन हमेशा इसमें अहंकार भरा हुआ है, ये परमात्मा के श्री चरणों में परमात्मा के बंदों के आगे झुकी रहे ताकि अहंकार खत्म हो, ये आंखें केवल मंदिर में ही तेरी मूर्ति न देखें, सारा संसार इन्हें राम में दिखाई दे, तो इसे भजन कहा जाता है। भगवान श्री कहते हैं प्रीति पूर्वक यदि कोई मेरा इस प्रकार से भजन करता है तो मैं उसे बुद्धि योग देता हूं, ऐसी बुद्धि उसकी बना देता हूं, ऐसी बुद्धि उसे प्रदान करता हूं जो संसार में रहने वाली नहीं। आई डोंट मेक देम वर्ल्डली वाइज, मैं उन्हें संसारिक बुद्धि नहीं देता, उसे हटा के तो उसे परमार्थिक बुद्धि दे देता हूं, वह बुद्धि जो परमात्मा से योग करवाए उसे बुद्धि योग कहा जाता है। ये बुद्धि अब इतनी प्रकाशित हो जाती है, इतनी आलोकित हो जाती है, सात्विक हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, दिव्य हो जाती है कि ये बुद्धि आपको परमात्मा के साथ जोड़ने में सक्षम हो जाती है। दोनों की जरूरत है, संसारिक बुद्धि की भी जरूरत है, बहुधा रहना तो संसार में ही होता है, लेकिन हमें अंतर पता होना चाहिए कि संसारिक बुद्धि क्या है और अलौकिक बुद्धि विवेक युक्त बुद्धि क्या है। मान विवेक युक्त बुद्धि वह बुद्धि है जो आपको ये बताएगी क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, क्या पीने योग्य है, क्या पीने योग्य नहीं है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मुझे कहां तक इस संसार में रहते हुए कहां तक इस संसार में धसना है, जो बुद्धि ये सब कुछ स्पष्ट करे उसे विवेक युक्त बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि परमात्मा से योग करने में सक्षम हो जाती है। ऐसे साधकों को जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं उनको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता। स्वामी जी महाराज ने बुद्धि योग ब्रैकेट में लिखा है कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, जो कर्मयोग करने के लिए मानो ऐसे कर्म करने के लिए बुद्धि प्रेरित करे जिससे हम परमात्मा से जुड़ सके उसे कर्मयोग कहा जाता है। जो बुद्धि कर्मयोग करने की, निष्काम कर्म करने की, यज्ञ अर्थ कर्म करने की प्रेरणा दी उसे बुद्धि योग कहा जाता है। सामान्य बुद्धि क्या है? संसारिक वर्ल्डली वाइज आज एक राजा